हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। हैदर भाई, कैसे हैं आप? और सोफिया जी, आप कैसी हैं? आप लोग देख रहे होंगे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बिग बॉस में के अंदर है इस वक्त। आप लोग कैसा लग रहा है? कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को वोटिंग के लिए? खेसारी जी को वोट कीजिए, पूरे इंडिया के फेवरेट है और सबको वोट करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो विनर होंगे। आप क्या कहेंगे? मैं बिग बॉस देख ही रहा हूँ खेसारी के लिए। मैंने कल से एपिसोड देखा है सिर्फ खेसारी के लिए। सलमान खान ने कल कुछ कहा था खेसारी को? हाँ, कहा था खेसारी थोड़ा सुस्त खेल रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ खेसारी को अच्छा खेलना चाहिए। अभी तो वोटिंग की नौबत नहीं आई है, लेकिन ऐसा खेलें कि उनको नॉमिनेट ना करे कोई। अगर नॉमिनेट वो होते हैं तो शायद वो बाहर हो सकते हैं बिग बॉस से, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं पूरे बिग बॉस के अंदर इतना सुस्त कोई नहीं खेल रहा है। यूपी बिहार के दर्शकों को खास कर कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से मैं कहूँगा कि उनको जो प्यार देते आए हैं वो देते रहें, क्योंकि बिग बॉस में अपना यूपी बिहार का सुपरस्टार है इस वक्त खेसारी लाल यादव। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो हैं सपोर्ट भी करें और उन्हें वही प्यार दें जो पहले से देते आए हैं। लेकिन एक खेसारी को भी मैसेज है कि वो भी अच्छा खेलें अगर उन तक मेरी बात पहुँच गई। और कुछ बिग बॉस के घर के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्टिविटी के अंदर खेसारी हैं, लेकिन उस तरह से नहीं खेल रहे हैं जिस तरह से खेलना चाहिए। इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं वो, किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं है, किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व नहीं है। और जो दूसरे कंटेस्टेंट है वो सब अच्छे से खेल रहे हैं, प्रॉपर लड़ाई झगड़ा फसाद पूरा गेम प्लान करके खेल रहे हैं। लेकिन बिग बॉस में खेसारी भाई वैसा नहीं कर रहे हैं जो हमारे सुपरस्टारों को करना चाहिए। मैं रियल बताऊं, मैं देख ही रहा हूं बिग बॉस खेसारी की वैसे, वरना मुझे कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं है। आप मैडम कुछ कहेंगे? मुझे लगता है उनको ज़्यादा थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए और उनकी एक्टिविटी के हिसाब से वो ज़्यादा आगे तक जाए और मैं चाहती हूँ कि वो जीते। मैं सबको बोलना चाहूँगी उनको वोट। अब तक का सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा खेसारी का? अब तक का सबसे बेस्ट पार्ट ये रहा कि कभी कभी इन्वॉल्व हुए, मतलब जो अभी पीछे ध्वनि उठा उठा के फेंक रहे थे वो थोड़ा सा उसमें अच्छा लगा कि थोड़ा सा इन्वॉल्व थे। सेकंड ये कि शायद लैंग्वेज की वजह से वो थोड़ा शर्मा रहे हों ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं तो बिग बॉस से कुछ कंटेस्टेंट उनका मजाक मजाक कुछ बनाते हैं कि देखो यादव जी ने क्या बोला है, तो उसको भी लेकर थोड़ा नर्वस ऐसा लग रहा है मेरे को, बोल नहीं पा रहे सही से। लेकिन उन्हें खुलना चाहिए, अब उनको पूरा हफ्ता हो चुका है। सलमान जी के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? सलमान सर 100% मुझे यकीन है कि वो खेसारी जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सलमान जी मेरे को लगता है कि खेसारी जी बहुत प्यार करते हैं यादव जी को, इसके लिए सलमान जी सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि नॉमिनेशन से पहले वो खुल जाए, अगर नॉमिनेशन का वक्त नहीं खुले तो फिर वोटिंग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, खेल नहीं रहे। आप मैडम कुछ कहेंगे? जी, मैं उनको बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगी और मैं ये चाहती हूँ कि वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करे, ताकि वो जो उनका जो हेजिटेशन है वो खुल के आए। किसी का गेम है, एक्चुअली उसी का गेम है, बिकॉज वो जो हिचकिचा रहे हैं ना वो थोड़ा वो, सा निकलना बंद करें। अगर वो नहीं होगा तो वो शायद नए आए हैं तो उनको थोड़ा सा लग रहा है कि क्योंकि उनका वाइल्ड कार्ड हुआ है इसलिए वो थोड़ा सा नहीं। इस हफ्ते तो खुलना चाहिए उनको, पुष्पा जी हेलो, तो खुलना बहुत जरूरी है। नहीं खुलेंगे तो अगर वो मतलब सही पूछो तो अगर वो इन्वॉल्व नहीं रहेंगे गेम में तो वो हो सकता है बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन शायद उनके फैंस मैं चाहता हूँ कि बाहर ना हो। बिग बॉस जीत के आए जब गए अंदर। और कुछ क्या कहना चाहेंगे? और कुछ ये है कि मैं जितने फैंस हैं यूपी बिहार झारखंड पंजाब जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी खेसारी के फैन हैं, जैसे ही नॉमिनेशन होता है खेसारी का फौरन उनको वोट करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.